नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीवन कोश में। कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होती है। इंसान के पास भले ही सब कुछ हो, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, भले ही वो आम इंसान हो या फेमस सेलेब्स। स्टार्स हमें जैसे फिट नजर आते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता है। वो अंदर से कई सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जो भयानक बीमारी का शिकार बन चुके हैं। सबसे पहले बात होती है जस्टिन बीबर की। जी हाँ, जस्टिन बीबर की बीमारी का खुलासा अभी हाल ही में हुआ है। रॉमसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया है, जिसके वजह से उनके चेहरे का एक तरफ का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन का। जी हाँ, वरुण वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन नाम की बीमारी से पीड़ित है। वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन बीमारी एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि कान के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित करता है। वेस्टिबुलर सिस्टम मनुष्यों के कान, आंख और मसल्स का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इस डिसऑर्डर के चलते दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंच पाते, जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। अब बात करते हैं एक्ट्रेस सामंथा रुत प्रभु की। सामंथा को मायोसाइटिस नामक बीमारी है। मायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें मरीज काफी कमजोरी महसूस करता है और उसकी मांसपेशियों में दर्द की समस्या होती है। इस बीमारी में मरीज को बैठने में परेशानी और कुछ गटकने में समस्या, साथ ही डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। इस बीमारी में मरीज को सीढ़ियां चढ़ने, कुछ वजन उठाने में भी समस्या होती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा 2018 से बल्जिंग डिस्क की बीमारी से जूझ रही हैं। ये बीमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है जो धीरे धीरे शरीर के बाकी अंगों तक पहुँच जाती है और शरीर के बाकी अंगों को धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। इस बीमारी को हर्निएटेड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। एक समय बाद इससे बाकी अंगों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अजय देवगन का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है और अजय देवगन को टेनिस एल्बो नाम की बीमारी है। टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकोंडलाइटिस भी कहते हैं। इस समस्या से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी परेशान रह चुके हैं। इस समस्या के दौरान कोहनी में तेज दर्द होता है। कोहनी की हड्डी और मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण टेनिस एल्बो की समस्या होती है। आमतौर पर खिलाड़ियों और युवाओं में शारीरिक गतिविधियों के दौरान कलाई और उंगलियों के मूवमेंट से मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कोहनी में सूजन आ जाती है। इस बीमारी को टेनिस एल्बो के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड के दबंग खान का शामिल है। सलमान खान ट्राइजेमिनल न्यूरलेजिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी चेहरे की ट्राइजेमिनल नर्व में होती है। चेहरे पर कई प्रकार की नसें होती है। ट्राइजेमिनल चेहरे की मुख्य नसों में से एक है। ट्राइजेमिनल न्यूरलेजिया सीधे तौर पर उससे जुड़ी हुई तीन नर्व को प्रभावित करती है। इस बीमारी में चेहरे पर भयानक चुभन का एहसास होता है। इस बीमारी का पता लगाना आसान नहीं होता क्योंकि कभी कभी इसके लक्षण कुछ हफ्ते या महीनों तक रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की देसी गर्ल कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा का। जी हाँ, प्रियंका का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है और आपको बता दें कि प्रियंका 5 साल की उम्र से, यानी कि जब वो 5 साल की थी तब से वो अस्थमा बीमारी से पीड़ित हैं और इस बात का खुलासा प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सोनम कपूर का। सोनम कपूर बॉलीवुड की फैशन डीवा मानी जाती हैं और वो अपने फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा सजग रहती हैं। अगर बात की जाए सोनम कपूर की बीमारी की तो सोनम को काफी समय से टाइप 1 डायबिटीज है और इस बात का खुलासा खुद सोनम ने अपने इंटरव्यू के दौरान किया था। सोनम कपूर ने बताया था कि वो टीनेज से ही इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। हालांकि वो खुद को फिट रखने के लिए योगा और मेडिटेशन पर काफी ज्यादा ध्यान देती हैं। अगला नाम है बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, अमिताभ बच्चन टीबी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रह चुके हैं। उन्हें कमर में दर्द रहता था जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। इस दर्द के लंबे समय तक रहने के बाद इलाज के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में टीबी है।
अमिताभ बच्चन के मुताबिक उन्हें करीब 4 साल बाद अपनी इस बीमारी का पता चला था, जिसका उन्होंने इलाज लिया और वो ठीक हो गए। इसके साथ ही उन्हें साल 2006 में पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस बी की समस्या है। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान भी डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के समय शाहरुख के कंधे में चोट लग गई थी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने खुलासा किया था कि उन्होंने कुल 5 बार कंधे की सर्जरी कराई है। किंग खान लंबे समय से हाथ और पीठ दर्द से जूझ रहे हैं। उनकी पीठ में समस्या दिल से फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। इसके बाद नाम आता है ऋतिक रोशन का। जी हाँ, 21 साल की उम्र में ऋतिक को स्कोलियोसिस नामक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी एस या फिर सी शेप में मुड़ने लगती है। इस बीमारी के चलते ऋतिक करीब 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहे थे। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि शायद ऋतिक जिंदगी भर चल ना पाए और उन्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़े, लेकिन अपने विल पावर के बल पर ऋतिक अपने इस बीमारी को भी हराने में कामयाब रहे। इसके अलावा ऋतिक को क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग के निचले भाग में खून जमा हो जाता है और ऐसा तब होता है जब सिर में किसी प्रकार की कोई चोट लगी हो। क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन को सिर पर चोट लगी थी और इस वजह से उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 2013 में अपनी ब्रेन सर्जरी भी कराई थी। इस सर्जरी के बाद भी उन्हें एक छोटी सर्जरी और करानी पड़ी थी। इस सर्जरी में उनके ब्लड क्लॉट को रिमूव किया गया था। हालांकि अब वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी उन्हें रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम ये सोचते हैं कि सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी बहुत ही आरामदायक होती है, ऐसा नहीं है। उन्हें भी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने फिट रूटीन को फॉलो करके, यानी कि अच्छा खा के, एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन करके अपनी इस बीमारी पर काबू पा लेते हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन जीवन कोश को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।